हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स डायरी। मैं हूँ दीपिका। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। और आज मैं आप सबके साथ एक ब्रेकफास्ट रेसिपी ट्राई करूँगी जिसे कहते हैं अपम, और वो भी इंस्टेंट हेल्दी एंड ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 कप सूजी एक कटोरी में, और साथ ही में 1 कप पूरा दही का। यही जो मेरे पास जो ये मेजरिंग कप है, इसी के साथ ही मैं सारे इंग्रेडिएंट्स इसी में ही मेजर करके इसमें डाल रही हूँ। तो अब मैं सूजी और दही को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप पानी का। 1 कप पानी ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके मेरा बैटर एकदम अच्छे से रेडी हो गया है, जो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा और ना ज़्यादा पतला। आपको मीडियम रखना है इस बैटर को, और सूजी, क्योंकि सूजी पानी सोख लेगी और सूजी को अच्छे से फूलने के लिए इसे मैं अच्छे से पानी देना है। तो यहाँ पे मेरा बैटर रेडी है, मैं इसे रख देती हूँ 30 मिनट्स के लिए एकदम साइड में। और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड करने के लिए सब्जियाँ ले ली है, गाजर, प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है, जो एकदम मुँह में जाने से इतना अच्छा फ्लेवर देगा। बड़ी पत्तियाँ देने से कुछ होता नहीं, अच्छा फ्लेवर भी नहीं आता। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी। तो इसमें मैंने ले लिया है हरी धनिया, और यहाँ पे साथ ही में मैंने ले लिया है भुना हुआ चना, लाल मिर्च, हरी मिर्च और एक लहसुन। लहसुन मैंने इसलिए ऐड किया है 1 पीस, क्योंकि वो जो चने की भुनी हुई स्मेल रहती है वो नहीं आएगी। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर ले रही हूँ एक ही बार पीसने से पहले ही नमक जो स्वाद अनुसार, और हल्की सी चीनी, क्योंकि मिर्च है ज़्यादा तीखा होगा। और यहाँ पे मैंने मेरी चटनी एकदम रेडी हो गई है, टेस्टी, बहुत ही टेस्टी हुई थी उस दिन, चटनी टेस्टी बनी थी। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्राई पैन। फ्राई पैन में मैं डाल दूँगी, तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी सरसों और कटा हुआ कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता भी अच्छे से इसमें मिल जाए, गरम हो जाए, तो उसके बाद मैं ऐड कर लूँगी प्याज। और प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा, एक हल्का पिंकिश कलर आ जाए प्याज में, तो उसी के बाद तब तक हमें भूनना है। ज़्यादा मैंने ब्राउन करने तक हमें प्याज नहीं भूननी है इसमें। बस हल्का ये पिंकिश कलर आ जाए तब तक ही हमें भूनना है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ हरी मिर्च, ये हो गए, और साथ ही में गाजर। और इसे मैं सब, इन सब चीज़ों को मैं हाई फ्लेम में भून रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ये गाजर में से जो हल्का सा एक पानी निकलेगा उसे ही मुझे सुखाना है। और इस सब, इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ एकदम हाई फ्लेम में। और ये हो गया मेरा यहाँ पे सब्जी रेडी। तो मैं इसे एकदम ठंडा होने के लिए अलग से रख देती हूँ। और अब ये देखिए, आफ्टर 30 मिनट्स मेरा बैटर पूरा रेडी है। तो बैटर पानी सोख लेता है सूजी, तो अब मैं थोड़ा सा बैटर को पतला करने के लिए उसमें पानी ऐड कर ले रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ सूजी को, और साथ ही में मैंने यहाँ पे अपनी सब्जियाँ, मेरी जो सब्जियाँ गर्म थी वो ठंडी हो गई है। अभी ठंडी होने के बाद इसे मैं ऐड कर लेती हूँ। इसमें आप लोग और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, जैसे होता है बीन्स, गाजर, सब कुछ। और अब आप देखिए, मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कोई सब्ज़ी में कोई नमक नहीं दिया था और ना इस बैटर में पहले मैंने कोई नमक दिया है। और साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं, ये नॉर्मल लाल मिर्च है जो हम लोग डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, वही एक अच्छा सा सुंदर सा कलर आ जाएगा इसलिए। और मैं कह रही थी आपसे कि सब्जियां कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, आपके चॉइस की, जो आपको चाहिए आप वो सब्जियां इसमें ऐड करिए। और इन सब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है,
और अब यहाँ पे मैं ऐड कर ली हूँ बेकिंग सोडा, जिसे हम कहते हैं खाने वाला सोडा, वो क्योंकि मैंने ये इंस्टेंट है मेरा, इंस्टेंट बना रही हूँ, इसलिए अगर आप इस सूजी को रात भर भिगा के रखते हैं तो आपको सोडा ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सोडा देने से अच्छे से फूलेगा, फ्लफीनेस आएगी अप्पम में, बहुत ही अच्छा बनता है ये नाश्ता। मैंने आप लोग जिस दिन बहुत जल्दी है, कोई रश है, उस दिन आप लोग ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी बनता है, और ख़ास करके बच्चों को तो टिफ़िन में अगर आप ये दें तो उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। बच्चों को दे, बड़ों को दे, सबको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही टेस्टी खाने की नाश्ता है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा, मैंने जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि एक टेबल स्पून है मेरे हाथ में, पर मैंने हाफ टेबल स्पून तेल ले लिया है क्योंकि कभी कभी सूजी चिपकने का डर रहता है, तो इस वजह से मैंने ये अप्पम के जो खांचे है, प्लेट है, तवा है, जो भी जो जैसा आप लोगों को समझ में आए, तो इन सब उनको मैंने अच्छे से ग्रीसिंग कर ली है तेल से, और तेल यहाँ पे मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, वो पैन भी मेरा अच्छे से गर्म हो गया अप्पम बनाने का। तो अब इसमें मैं अच्छे बैटर को अच्छे से मिक्स करके एक बार ये सूजी का बैटर मैं अप्पम के खांचों में डाल दे रही हूँ। एक एक करके सारे इसमें सूजी का बैटर मैंने ऐड कर लिया है और अब मैं इसे 10-15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी कि वो नीचे से एक साइड से अच्छे से पक जाए और अच्छा एक कलर भी आ जाए। कम आँच करके इसको मैंने 10-15 मिनट हो गए हैं। अब मैं 10-15 मिनट बाद आके मैंने चेक कर लिया है कि कैसा क्या है, वह नीचे से अच्छे से पका है कि नहीं, अच्छे से कलर आया है कि नहीं, तो कलर बहुत ही सुंदर आया है, अभी आप देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा और एक साइड थोड़ा सा तेल इसमें ऐड कर ले रही हूँ, एकदम हल्का सा। तो बस आप लोग अब देखिए, देखिए कितना अच्छा सुंदर सा एक कलर आया है इसमें, और बहुत ही अच्छे से पक भी गया है और बहुत ही क्रिस्पी फ्लफी, बहुत ही अच्छा हुआ है। मैंने अगर आप लोग ट्राई नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, पर मैंने बनाया था उस दिन और मैंने खाया, या फिर सबको मैंने अपने घर पे खिलाया तो सभी को बहुत पसंद आया ये। अब बस एक एक करके मैं पलट दे रही हूँ और दूसरी साइड से ये सेम मैं वापस और 10-15 मिनट के लिए रखूँगी दूसरी साइड के लिए, दूसरी साइड से ये अच्छे से पक जाए। बस मैंने पलट दिए है और वापस मैं ढक्के से 10-15 मिनट के लिए दूसरी साइड से, और ये रहे मेरे अप्पम, इंस्टेंट हेल्दी ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो गया है। आप भी देख सकते हैं कितना अच्छा एक कलर आया है इसके ऊपर। और आज वापस मैं अपने बेटे से ही टेस्ट करवाऊंगी कि ये अप्पम कैसे बने हैं। यहाँ पे मैं अभी सबको मैंने बुला लिया है टेबल पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीजोनी दीदी आई है, वेद की, आज मैंने उसकी दीदी को बुलाया था ब्रेकफास्ट करने के लिए, और बाजू में बैठी है सोमा, उसकी बुआ जी है। कैसा है वेद? तो यहाँ पे देखिए मैं वेद को पूछ रही हूँ कि कैसा बना है, वो आपको बता रहा है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना टेस्टी बना है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल, और अच्छा लगे कमेंट करिए कैसा बना है, आप लोग भी बना के देखिए और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आज का ब्रेकफास्ट कैसा बना है। थैंक यू।